ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल मॉडल्स में जो सबसे मशहूर है वो है स्कैंडिया आईसी नेविगेटर का मॉडल इस मॉडल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस क्या है एक बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में अब बुक वालीम से मुराद ये है द सम टोटल ऑफ ऑल मेयरेबल टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी और मार्केट वैल्यू का मतलब है वट द मार्केट वैल्यूड द कंपनी एट कि मार्किट में उसकी वैल्यू क्या है तो इन दोनों में डिफरेंस किया और फिर इन्होंने टोटल मार्किट वैल्यू का ये मतलब इसमें बताया इज़ द सम ऑफ इट्स फाइनेंशियल कैपिटल प्लस इट्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल कि फाइनेंशियल कैपिटल वो इट और उसके साथ साथ फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी कि नॉलेज कैपिटल इन दोनों को मिला के अगर हम टोटल करें तो उसको हम कहेंगे टोटल मार्केट वैल्यू इसका अगर हम एक ग्राफिकल मॉडल देखें तो इसमें आप देखिए कि उन्होंने मार्केट वैल्यू को दो हिस्सों में तकसीम किया एक फाइनेंशियल कैपिटल है और दूसरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है अब इस इंटेलेक्चुअल कैपिटल को फिर आगे दो हिस्सों में तकसीम किया एक ह्यूमन कैपिटल है और दूसरा स्ट्रक्चरल कैपिटल है अब ह्यूमन कैपिटल से मुराद तो उसके एम्प्लॉज़ हैं एम्प्लॉइज़ का जितना भी नॉलेज है स्ट्रक्चरल कैपिटल को उन्होंने फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया एक कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉमेशन है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अब ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो इसके फर्दर दो हिस्से किए एक है इनोवेशन कैपिटल कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तौर पर कौन कौन सी इनोवेशनस की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे यूनिक है कैसे डिफ्रेंशिएट करती है अपने आप को और दूसरा है फिर प्रोसेस कैपिटल कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो वो दूसरी कंपनियों से बेहतर कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने किस किस तरीके से इनोवेशन की और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग की और इंफॉर्मेशन बेस्ड उन्होंने डिसीजन किए अब अगर इनो innovation इनोवेशन या इनोवेशनल कैपिटल को देखें तो फर्दर इन्होंने दो हिस्सों में उसे तकसीम किया एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दूसरा फिर उसमें है इंटेंजिबल एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब ये यह है कि ऐसे कोई पेटेंट या कोई ऐसे ऐसे इनोवेशनस कि जो उन्होंने पेटेंट के ऑफ़िस से या किसी रजिस्ट्रार के ऑफ़िस से रजिस्टर करवा ली और उसके अलावा जो है वो नॉलेज है जिसको इन्होंने इंटेंजिबल कहा कि नॉलेज तो है लेकिन वो सिर्फ हिडन फॉर्म में है और उसको किसी ऑफ़िस से उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया